हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आकांक्षा है और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल 24/7 मॉम्स एक्शन में। और मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपसे और आपके घर से रिलेटेड होती है। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है मीशो होम डेकोर हॉल वीडियो। और जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ ना, सभी 500 के अंडर है और बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं और सभी ना बिल्कुल अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी करो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेडिशनल टच देने वाला है आपके घर को। अगर आपको इंडियन डेकोर पसंद है ना, तो ये प्रोडक्ट आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। बहुत सुंदर सा स्टूल है, ऊपर देखिए आपको कुछ इस टाइप का फ्लैट पोर्शन मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पर एलिफेंट का फेस मिल जाता है, बैक साइड में भी पूरा प्रॉपर एलिफेंट का लुक दिया गया है इसको। और ये देखिए जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, पूरी जगह पर ये हैंड पेंटेड है, जो कि इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाता है। मुझे बहुत प्यारा लगा है ये पीस। और वुडन मटेरियल भी ना इसका काफी अच्छा है, बैक साइड से भी आप देख लीजिए अंदर से इसमें पेंटिंग वर्क हुआ है। अनबॉक्सिंग वीडियो ना मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसकी फिनिशिंग डिजाइन सब कुछ बहुत अच्छी है, बट आपको साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा। आप मेरे हैंड में देखिए इस तरीके से आ रहा है, इसका साइज कुछ इतना है। बट जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं ना, आई थिंक ये 432 रुपीज हम लोग ने इसका पे किया है, तो उस हिसाब से ना इसका साइज बहुत अच्छा है। क्योंकि ये वुडन मटेरियल है, हैंड पेंटेड है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है इसका प्राइस बहुत ही सही है। एंड मीशो पे ना इससे बड़ा साइज अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, दो के सेट में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए होगा ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगी, तो दो के सेट का भी मिल जाएगा, इससे बड़ा भी मिल जाएगा और इससे छोटा साइज भी था। मैंने मीडियम वाला साइज ऑर्डर किया था देखने के लिए इसकी फिनिशिंग वगैरह कैसी है, और जैसी पिक्चर में दिखाई थी ना मुझे, वैसे सेम टू सेम मुझे रिसीव भी हुआ है प्रोडक्ट, तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस। ओके, तो सेकेंड प्रोडक्ट बहुत ही डेलिकेट प्रोडक्ट है, तो मैंने इसको कार्डबोर्ड बॉक्स में ही रख रखा है। बहुत सुंदर आया है ये प्रोडक्ट, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है कि आप इसे देखोगे ना तो आपका दिल आ जाने वाला है इस पे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की आपको दो बर्ड का सेट मिल जाने वाला है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इसकी गोल्डन शाइन इतनी ज्यादा अच्छी है, दूर से अगर आप देखोगे ना तो एकदम मेटल पीस लगने वाला है ये, बहुत सुंदर है। पूरा अच्छा खासा इसमें आपको रिफ्लेक्शन भी दिख जाएगा। कुछ इस तरीके की इसकी फिनिशिंग है, फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है, नीचे से देखिए कुछ इस तरीके से है। साइज भी देखिए काफी डिसेंट है, इस प्रोडक्ट के लिए ना मेरे पास शब्द ही नहीं है, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है ये। और ये ना मैं अपने दिवाली डेकोर और नॉर्मल ऐसे भी डे टू डे डेकोर में भी ना इसे यूज कर सकती हूँ, तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इसे अपने सेंटर टेबल पे रखने वाली हूँ, या कभी कभी ना मैं इसे अपने बुक शेल्फ पे भी रख दूंगी, तो बहुत सुंदर लगेगा ये। तो कुछ इस तरीके की इसकी फिनिशिंग है। थर्ड प्रोडक्ट भी ना हमारा होम फर्निशिंग से रिलेटेड है, तो देखिए कुछ इस तरीके का ये कॉटन मटेरियल का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है डाइनिंग टेबल का रनर, कुछ इस तरीके से है। इसकी फिनिशिंग क्वालिटी डिजाइन सब कुछ बहुत अच्छा है, काफी प्रीमियम लुक दे रहा था ये। यहाँ की देखिए आपको डिजाइन काफी अच्छी लग रही थी मुझे ये, और यहाँ पे आपको फ्रंट में कुछ इस टाइप के टैसल्स भी मिल जाएंगे। तो ये देखिए इसकी लेंथ वगैरह ना काफी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात बताऊं इसकी, ये वॉशेबल है, तो आप इसे कभी भी बिछाओ और कभी भी वॉश कर लो, इसका डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि लाइट कलर जो होते हैं ना, उनको बिछाने में बहुत डर लगता है कि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और वॉश करने में दिक्कत होती है, बट इस मटेरियल को वॉश करने में ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इजिली आप इजी वगैरह डाल के ना इसको साफ कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। फ्रंट से कुछ इस तरीके से है, बैक से भी आप देख लीजिए इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है, कोई भी थ्रेड एक्स्ट्रा इधर उधर निकला नहीं है, काफी अच्छी फिनिशिंग है। एंड इसका प्राइस शायद 262 रुपीज था, मैं एक्चुअल प्राइस ना स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और ये नेक्स्ट प्रोडक्ट तो मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही रिसीव हुआ है, तो मुझे लगा चलो इसको भी इंक्लूड कर देती हूँ। तो ये देखिए ये सेट ऑफ फोर में कुछ इस तरीके से मुझे बॉक्सेस या ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं हम लोग इसे रिसीव हुआ है, और सबके कलर ना बहुत सुंदर है, ये देखिए कितने वाइब्रेंट कलर हैं चारों। सेट ऑफ फोर में मुझे कुछ इस तरीके के बॉक्सेस रिसीव हुए हैं, और इन बॉक्सेस को ना आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, काफी वर्सटाइल है ये। और मुझे लगा था ना पिक्चर देख के कि इसकी साइज वगैरह थोड़ी छोटी है, बट इसकी साइज काफी डिसेंट है, इनके कलर वगैरह भी काफी सुंदर है। पिंक ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और एक येलो कलर भी इसका बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी साइज काफी अच्छा है, और 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस आपको मिल जा रहे हैं इसमें।
इसको ना आप एज अ ड्रॉअर के ऑर्गेनाइजर्स की तरह यूज कर सकते हो, ना मेकअप प्रोडक्ट पीस में रख सकते हो, मेडिसिन रख सकते हो, अपने रिमोट वगैरह रख सकते हो, बहुत सारी चीजें इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसमें ना आप अपने अंडर गार्मेंट्स वगैरह भी रख सकते हो। मैंने इसे अपने ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया है। चीजों को सेग्रीगेट करके रखना है ना, तो इस टाइप की चीजें बहुत अच्छी होती है और मीशो पे ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाती है। और ये भी मुझे अराउंड 200 रुपीज का ही कॉस्ट करा है। काफी अच्छी क्वालिटी है, मुझे काफी पसंद आया है ये प्रोडक्ट भी। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, ये बहुत ही सुंदर वॉल प्लेट्स हैं, सेट ऑफ 3 में मुझे रिसीव हुए हैं। जब मैंने इसे परचेज किया था तो ये 600 अराउंड थे, अंडर 500 नहीं है। यही एक हॉल का प्रोडक्ट है जो थोड़ा सा 500 के अबव है, बट बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमारा है ये सबसे छोटा साइज, सेकेंड उससे बड़ा आ जाता है कुछ इस तरीके का, और थर्ड आता है हमारा सबसे बड़ी प्लेट जो कि बहुत सुंदर क्वालिटी के साथ है। देख लीजिए आपको, बहुत सुंदर क्वालिटी है। और इसके ना बैक साइड में आपको सभी के बैक साइड में कुछ इस तरीके का यहाँ पे हैंगिंग के लिए मिल जाता है। इस टाइप के आप चाहो ना तो 2 सेट ऑर्डर करो और अपने लिविंग रूम में किसी भी एक्सेंट वॉल पे लगाओगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। इवन आप इसे डाइनिंग रूम में भी लगा सकते हो। मैं ना आपको दिखा दूंगी कि मैंने इसे कहाँ पे लगाया है। एक्चुअली मैंने ना इसे अपने डाइनिंग रूम में स्टाइल किया है, तो आप देखिएगा वो कैसा लग रहा है। बट आप चाहो ना तो इसे बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, कहीं पर भी लगा दोगे ना तो बहुत सुंदर लुक लगने वाला है। और प्राइस के अकॉर्डिंग ना चीज बहुत अच्छी है, और फिनिशिंग तो आप खुद ही देख लीजिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, बहुत सुंदर है। एंड इसकी पैकेजिंग की अगर बात करें ना, पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट कहीं से बेंड हो जाए। पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगर आप कुछ डिफरेंट सा वॉल डेकोर ढूंढ रहे हो ना, तो ये प्रोडक्ट आप जरूर परचेज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने हॉल वीडियो के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि होने वाला है एक जूट मैट। इसको मैं काफी दिनों से सर्च कर रही थी और मुझे एक डिसेंट साइज चाहिए था प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करने के लिए। ना मैट बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये साइज है 90x90 सेंटीमीटर्स। ये देखिए कुछ इतना बड़ा साइज है, आई थिंक ये पूरा कवर भी नहीं कर पा रहा होगा। कुछ इस तरीके का है, ये फ्रंट है और बैक साइड से पास से आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, और फ्रंट से आपको ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, और ना साइज भी जो इसका मेंशन था वही साइज भी मुझे मिला है। काफी अच्छा लगा है मुझको ये। इसमें ना बहुत सारे डिजाइन कलर्स अवेलेबल हैं। इसमें ना मल्टी कलर वाला भी आपको मिल जाएगा, डबल कलर का भी मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो, लिविंग एरिया में भी आप इसे रखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे भी एक्सेंट चेयर वगैरह के साथ रखोगे ना नीचे तो बहुत सुंदर लगने वाला है। या आप इसे मंदिर वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, पूजा मैट की तरह भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा लगने वाला है ये। ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आप सभी से जल्दी ही मिलती हूँ ऐसे ही कुछ हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।